शाइस्ता परवीन की मौत को लेकर अचानक एक चौंकाने वाला फैसला आया। आपको बता दें कि शाइस्ता परवीन को लेकर एक नया खुलासा हुआ। 1,00,000 रुपए की इनामी होगी माफिया अतीक अहमद की बेगम शाइस्ता परवीन, जल्द लखनऊ भेजी जाएगी। रिपोर्ट उमेश पाल और उनके दो सरकारी गनर की हत्याकांड में नामजद आरोपी शाइस्ता परवीन और 1,00,000 की इनामी होगी। लंबे समय से फरार चल रही शाइस्ता की गिरफ्तारी न होने के कारण पुलिस ने इनाम बढ़ाने की कवायद तेज कर दी ताकि उस पर दबाव बन सके। उमेश पाल और उनके दो सरकारी गनर की हत्या के बाद ये बड़ा फैसला आया। आपको बता दें कि वारदात के कुछ दिन बाद शाइस्ता भाग निकले, उसकी गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टास्क फोर्स के साथ पुलिस की कई टीमें लगाई गई। रिश्तेदारों, सहयोगियों और करीबियों के घर भी छापेमारी करते हुए संदिग्ध ठिकानों पर दबिश दी गई। कोई सुराग न मिलने पर पहले 25,000 और फिर 50,000, अब 1,00,000 रुपए इनाम घोषित कर दिया है। ऐसे में उस पर शिकंजा कसने के लिए इनाम बढ़ाया जाएगा। इसके लिए जल्द ही रिपोर्ट तैयार कर लखनऊ भेजी जाएगी ताकि शाइस्ता 1,00,000 की इनामी हो सके। अतीक की बीबी के अलावा उसकी बहन शाइस्ता नूरी अशरफ की बीबी पर भी गिरफ्तारी का दबाव बनाया जाएगा। लगातार सरकार कई गुंडे और माफियाओं का एनकाउंटर कर रही है। ऐसे में अगला नाम किस माफिया का आ सकता है, इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं।